श्री समस्त खातेगांव समाज की तरफ से हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मंदिर में सुबह कलश के बाद छत्र ऐसा करते हैं और चवर को ऐसा हाथ से करते हैं, तो हम महिलाएं ऐसा कर सकती है कि नहीं महाराज श्री? सबसे पहले ये बोलो, ऐसा छत्र और ऐसा चवर करते क्यों? तो वो महिला हो या पुरुष क्यों तो महाराज श्री वो बोलते हैं ना छत्र चवर, तो छत्र तो हम जो फिर तो क्या भगवान के ऊपर। दो बातें हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इसे नित्य अभिषेक का हिस्सा क्यों बनाया गया? प्रातिहारियों के आरोपण का अभिषेक में क्या संबंध है, पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रातिहार ही अर्पित कर रहे तो दो ही क्यों, फिर आठों करो ना। अभिषेक के साथ ऐसा मूल अभिषेक पाठों में कहीं नहीं है, पर इसके पीछे भाव क्या है कि चूंकि अभिषेक के लिए भगवान को लाते हैं तो छत्र चमर हटा देते हैं, तो बाद में फिर से छत्र लगाने लगे तो कोई ने बोला भाई ये छत्र अभिषेक करने के लिए हटाया था, छत्र लगाओ तो छत्र टांग दो और फिर चमर लगा दो। शायद अब छत्र लगा रहे हैं तो फिर छत्र तयम तो विभाति पढ़ने लगे, चमर लगा लिए तो कुंदा वदा तो चल चामर चारु शोभम बोलने लगे। अब एक छत्र बोलने लगे तो फिर क्या, ये छत्र ही हम बना दे, हमारे हाथ में तो छत्र है नहीं, छत्र तयम तो विभाग। तो तुम भगवान की छत्र छाया में हो कि भगवान के ऊपर छत्र छाया कर रहे हो? भगवान की छत्र छाया में भरोसा, भगवान की छत्र छाया में भरोसा कर क्या रहे हो? ये भावना है, हम भगवान की छत्र छाया में है, भगवान पर छत्र छाया नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भाव है, हाँ भगवान ये छत्र मैं भी लगा दूं चंवर, तो ये है। तो ऐसा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुरोध ना करो कि भगवान के ऊपर मैं सर्व प्रातिहार अर्पित करूं, और ध्यान करो आठों प्रातिहारियों से संयुक्त परमात्मा का, उनका स्मरण करके वंदन करो तो आपको भगवान की मूर्ति नहीं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन होगा। तो महाराज जी, जैसे सोने का चांदी का छत्र अपन खरीद के ले आए, हाँ, और वो अपन अपने घर में रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रखना चाहिए, प्रातिहार घर में नहीं रखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग रोज है मंदिर से घर से मंदिर छत्र ले जाते हैं, ऐसा करते हैं वापस ले आते हैं? अरे तुमने प्रातिहार जब मंदिर में समर्पित कर दिया तो तुम्हारा काम बचा? तुमने भगवान को समर्पित किया कि नहीं किया? हाँ किया मैंने। तो जो चीज भगवान को समर्पित कर दी घर ले आओगे? हमको तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। अरे भैया, एक बार हमने छत्र चढ़ा दिया तो वो तो देव द्रव्य हो गया, हमारा कहां बचा? मैंने तो एक बात और सुनी है कि एक और कुपरंपरा चल पड़ी है, कुछ लोग सोने चांदी के द्रव्य रखते हैं और चढ़ा के वापस ले आते, दूसरे दिन उसी से पूजा करते हैं, ऐसा भी होने लगा है ना? करते मारुषि, रत्नों से करते हैं और वापस घर ले आते हैं। तब रत्न को जो अर्पित कर दिया, तुम चावल जो निर्माल होता है उसको छू लेते हो तो हाथ धोते हो कि नहीं? हाँ मारुषि। तो वो रत्न है तो फिर हाथ नहीं धोगे? हाँ, भयानक भूल दिखती है। तुम्हारे पास सामर्थ है तो रोज रतन चढ़ाओ, और सामर्थ नहीं है तो भावों से भरकर ज्वार भी चढ़ा दोगे तो रतन हो जाएगा। ये प्रदर्शन क्यों, इसकी आवश्यकता क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। कई क्रियाएं ऐसी हैं जो चलती है तो बस चलने लगती है, लोग भावना के अतिरेक में ऐसा कर देते हैं, पर मेरी दृष्टि में ये सुसंगत प्रतीत नहीं होती।
आप खुद में विचार कीजिए ना, क्यों करें? हमने जो अर्पित कर दिया वो अर्पित कर दिया, समझ गए? अभी इशारा कर रहे थे महाराज ये चंवर, तो चंवर को भक्ति का अंग मानकर आप अगर रखते हो, अब चंवर चढ़ा के भगवान की एक वंदना करे, अर्पित नहीं किया है, तो आप घर ले जा सकते हो। अर्पित कर दिया चंवर तो घर नहीं जाएगा, और अपने उपकरण के रूप में आपने चंवर रखा तो उसे घर ले जाने में दोष नहीं है। आपने छत्र अर्पित कर दिया तो घर नहीं जाएगा। अर्पित करना है तो फिर लाओ ही मत, नहीं घर ले जाना है तो लाओ ही नहीं। और छत्र घर में रखोगे क्या? भगवान का छत्र तो भगवान के लिए शोभा देता है, इसलिए उपकरणों में विवेक रखना। अष्ट मंगल द्रव्य घर में रख सकते हैं, बल्कि रखना ही चाहिए, उससे नकारात्मकता हटती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अष्ट मंगल रखिए, अष्ट प्रातिहारे नहीं, समझ गए? ले जा सकते, चंवर चढ़ाए नहीं है तो चंवर को भी रखोगे तो वो आपका पूजन का उपकरण है। हालांकि अष्ट द्रव्य में चंवर नहीं है, कायदे से चंवर तो भक्ति का अंग है, मंदिर का ही होना चाहिए और मंदिर में ही रहना चाहिए। श्वेतांबर परंपरा में मंदिरों में चंवर होते हैं खूब, अपने यहाँ भी होते हैं लेकिन लोग विधानों में निकालते हैं, बाकी लॉक करके रख देते हैं या टांग के रखते हैं। वहाँ लोग भगवान के मंदिर से चंवर उठा करके अभ्यर्थना करते। अब लोग अपने अपने निजी निजी रखने लगे हैं, तो अब मैं इसके विषय में कहूँगा तो इतना ही, अर्पित नहीं किया तो कदाचित घर रख सकते हो, पर ये उपकरण है, मंदिर के उपकरण को मंदिर में दान देना चाहिए, ये घर में रखने की चीज़ें नहीं। अष्टमंगल, हाँ चंवर, ठीक है, अच्छी बात बोली। अष्टमंगल में चंवर भी एक मंगल है, हाँ। तो अष्टमंगल के तो आठों मंगल रखो, एक नहीं रखो। छत्र है लेकिन चढ़ा दिया छत्र, वो कैसे घर रखोगे? क्या बोल रहा हूं मैं? जो अर्पित कर दिया, चाहे वो छत्र हो या चंवर, वो घर नहीं आना चाहिए।